press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey guys, welcome to our YouTube channel. जी हाँ दोस्तों, आप कैसे हो? आशा है आप बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे किस वायल के अंदर कौन सा ब्लड टेस्ट जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये किस कलर के हिसाब से जो कौन सा टेस्ट होता है वो किस वायल के अंदर जाता है, मतलब किस ट्यूब के अंदर जाता है या किस बोतल के अंदर जाता है। कलेक्शन बोतल होती है, उनके अंदर कैसे जाता है, यही आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम उन वायल का इंट्रोडक्शन भी इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर कर लेंगे कि किस वायल के अंदर कौन सा टेस्ट जाता है और उसके अंदर ऐसा क्या होता है, जिस कारण ये हर एक चीज़ हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए। सबसे पहले जो वायल होती है, इम्पोर्टेंट वायल होती है और सबसे मेन वायल होती है लैब की, क्योंकि मैक्सिमम इसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं EDT वायल की। EDT वायल मतलब जो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके इसका कलर होता है जो पर्पल कलर इसका होता है कैप का, आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर दिख रही होगी। इस वायल के अंदर जो टेस्ट होता है वो होता है CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, और फिर होता है FBC मतलब फुल ब्लड काउंट। CBC और FBC सेम है दोस्तों, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, उसके बाद C3 C4 HB मतलब हीमोग्लोबिन भी होता है इसके अंदर, HbA1c टेस्ट भी इसी के अंदर होता है, और जो MPQBC हम कार्ड से लगाते हैं वो भी इसी वायल के अंदर ब्लड जाता है, और ब्लड फिल्म से जो भी ब्लड फिल्में बनती है वो भी जो ब्लड होता है वो इसी के अंदर जाता है। मतलब ये टेस्ट आ जाए तो आपको EDT सैंपल के अंदर लेना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली वायल होती है, सबसे इम्पोर्टेंट वायल होती है, इसको हम प्लेन वायल भी कहते हैं या रेड वायल भी कहते हैं, क्योंकि प्लेन वायल मतलब बिल्कुल प्लेन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा प्लेन मतलब सिंपल। प्लेन वायल के अंदर क्या होता है, इसकी जो कैप होती है वो रेड कलर की होती है, इसके अंदर ऑल सीरम टेस्ट लगते हैं। मतलब इसके अंदर अगर हम प्लेन वायल के अंदर ले रहे तो मतलब वो टेस्ट सीरम से ही लगेगा। इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं यही हम बात कर लेते हैं। टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है TSH PSA और इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब IgG IgA IgM, ये दोस्तों जो है ना दोस्तों, ये इसके अंदर टेस्ट लगते हैं। इसके अंदर रैंडम शुगर भी लगता है, हम मशीन से KFT भी लगाते हैं, LFT भी लगाते हैं, सीरम से टेस्ट ये लगते हैं, और टाइफाइड कार्ड होता है वो भी सीरम से लगता है। कार्ड के अंदर हम सीरम डालते हैं तो भी वो टाइफाइड कार्ड इस प्लेन के अंदर ही, अगर दोस्तों ये टेस्ट कोई है तो ये प्लेन के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सोडियम साइट्रेट की। दोस्तों इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्लू होता है, आपके डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इस वायल का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोगुलेशन टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कोगुलेशन टेस्टिंग होते हैं सभी, और इसके अंदर PTINR APTT, जी हाँ दोस्तों, इसका सैंपल भी इसी के अंदर आता है। फिर उसके बाद में जो आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की नेक्स्ट वाली वायल, जिसे हम PST भी कहते हैं मतलब प्लाज्मा सेपरेशन ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा सेपरेशन ट्यूब, इसको हम सोडियम हिपेरिन भी कहते हैं। इस वायल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो होता है लिथियम और हिपेरिन। फिर उसके बाद में आपको दिख रही होगी जो नेक्स्ट वाली ट्यूब है SST मतलब इसके अंदर सीरम सेपरेशन ट्यूब, मतलब इस उसके अंदर आपने देखा प्लाज्मा और इसके अंदर सीरम, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, और इससे जो सीरम से लगने वाले टेस्ट है जो मैक्सिमम लगते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली वायल आती है ब्लड कल्चर, ये दोस्तों जो बनी हुई होती है इन सभी वायल से डिफरेंट होती है, और ये कांच की बनी हुई होती है, इस ये ग्लास की बनी हुई होती है। इसके अंदर हम ब्लड कल्चर का सैंपल लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के अंदर बताइए, और कमेंट के अंदर कोई भी क्वेरीज हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही।